Myself Narmish Sakya and I welcome you all at BTS India Get Success with us. Before I starting this session, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon. In today's class, we learn and understand about the topic cryptocurrency. आज की जो क्लास में हम सीखेंगे वह टॉपिक है क्रिप्टोकरेंसी. अगर क्रिप्टोकरेंसी की बात करें तो वर्ल्ड के ज्यादातर देश में क्रिप्टोकरेंसी में वहां के नागरिकों के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और इस इन्वेस्टमेंट के जरिए वह अपने लाभ की उम्मीद करते हैं. अगर इंडिया की बात करें तो जो कुछ दिनों पहले हमारा बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया उसमें हमारे वित्त मंत्री द्वारा डिजिटल रुपये को लॉन्च करने की बात की गई. तो एज ए स्टूडेंट ये हमारे लिए जरूरी है कि हम क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल रुपये के बारे में जानें. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास जिसका टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी. अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड करती हूँ सीखने के पर्पज से. फर्स्ट व्हाट इट इज, यह क्या है, हाउ इट वर्क्स, यह कैसे काम करती है, और लास्ट है इट्स साइड्स लाइक नेगेटिव इंपैक्ट एंड सेकेंड वन इज पॉजिटिव इंपैक्ट. या हम इसको पॉजिटिव इंपैक्ट को पहले रख सकते हैं और नेगेटिव इंपैक्ट को बाद में. तो यह पॉजिटिव इंपैक्ट फर्स्ट और नेगेटिव इंपैक्ट जो रहेगा सेकेंड. अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करें तो यह एक डिजिटल करेंसी है जो कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए बनाई गई है कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा. लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसमें किसी भी केंद्रीय बैंक या देश का कंट्रोल नहीं है. यह एक प्राइवेट और डिसेंट्रलाइज मोड पर तैयार की गई है. तो इसके बारे में अगर डेफिनेशन की हम बात करें on any central authority
की सरकार या बैंक के द्वारा इसको अपहोल्ड और मेंटेन किया जाता है, सच एज अ गवर्नमेंट government or central
कुछ हमने इसको ज्यादा जानेंगे तो इसकी कुछ तीन विशेषता निकल के आई हैं, जो कि पहला है इट इज ए डिजिटल करेंसी। यह एक डिजिटल करेंसी है। इट इज डिजाइन थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। यह कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा डिजाइन किया गया है, इसको बनाया गया है। इट इज नॉट इश्यूड बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी। इसको किसी भी सरकार या वहां की केंद्रीय अथॉरिटी के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। फोर्थ है, आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट को पढ़ें। तो जो फोर्थ पॉइंट रहेगा हमारा, इट इज स्टोर्ड ऑन कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। इट इज स्टोर्ड ऑन कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। अगर हम क्रिप्टो करेंसी के स्टोरेज की बात करें तो यह कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस पे स्टोर किया जाता है। फिफ्थ वन इज, आगे बढ़ने से पहले हम इसकी फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो इसकी विशेषता है। इट इज अ डिजिटल करेंसी। इट इज डिजाइन थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। इट इज नॉट इश्यूड बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी। एंड इट इज स्टोर्ड ऑन कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। अगर आगे बढ़े नेक्स्ट, तो इट इज नॉट प्रेजेंट इन फिजिकल फॉर्म लाइक पेपर मनी। यह जो करेंसी है वह भौतिक रूप में नहीं होती है जैसे हमारी पेपर मनी होती है। पेपर मनी को हम छू सकते हैं, उसको रख सकते हैं स्टोर करके अपनी अलमारी में, अपने लॉकर में। इस तरीके से जो क्रिप्टो करेंसी है वह सिर्फ डिजिटल मोड पे ही स्टोर होती है, उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें तो इट इज लाइक अ कोड। यह जो क्रिप्टो करेंसी है वह कोड के फॉर्म में वर्क करती है। एक कोड, जैसे यह कोई कोड है इस तरीके से, कोई कोड में हमारी क्रिप्टो करेंसी का एक कॉइन हो सकते हैं। आगे बढ़ेगा तो इसका फिर से कोई कोड होगा, तो यह एज अ कोड वर्क करती है। तो इसके हमने फीचर्स यानी फीचर्स को अगर आप एक बार और रिवाइज करना चाहें तो आप रिवाइज कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ इट वर्क, यह कैसे काम करती है। अगर इसको कार्य को समझे तो पहले हम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि यह
design. जैसे वह मैसेज दिया था उसी फॉर्म में, तो इसको हम एज क्रिप्टोग्राफी
कि व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट है इसमें ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन अब जो क्रिप्टोकरेंसी है उसमें जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में सेव होते हैं, यानी कि जो ब्लॉक हमारे ट्रांजैक्शन का रहेगा वो कुछ इस तरीके से एक ब्लॉक बनेगा। जब ये ब्लॉक किसी अगेन दोबारा ट्रांजैक्शन होगा क्रिप्टोकरेंसी का तो एक दूसरा ब्लॉक बनेगा। इस तरीके से जब बहुत सारे ब्लॉक्स जुड़ते जाएंगे तो वह एक चेन का रूप ले लेंगे। जैसे ये ब्लॉक वन है, इसमें कुछ ट्रांजेक्शन हुआ तो ये आगे बढ़ेगा ब्लॉक टू तक, इसमें जब कोई ट्रांजेक्शन होगा तो ब्लॉक थ्री जाएगा। उस तरीके से जब ये चेन बढ़ती जाएगी और ये ब्लॉक्स आपस में जुड़ते जाएंगे तो यह एक चेन का रूप ले लेगी। जैसे जैसे आगे ब्लॉक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये चेन बढ़ती जाएगी, तो यह ना हमारा ब्लॉक चेन का मतलब कि जो हमारा क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन है उसका जो भी हमारी एंट्री होगी वो एज अ ब्लॉक में सेव होती है। जब एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन से लिंक होता जाता है तो वह ट्रांजेक्शन का नंबर बढ़ता जाता है, और ये जब ये जो ब्लॉक्स हैं बढ़ते जाते हैं इससे एक चेन फॉर्म होती है जिसको हम ब्लॉक चेन बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ब्लॉक चेन क्या है। आगे बढ़ते हैं तो एक और टर्म आया था माइनिंग। माइनिंग वर्ड आया था, माइनिंग का जनरल लैंग्वेज में यूज होता है कि जो हम पृथ्वी के खनिज हैं उनको उत्खनन करना, उसमें माइनिंग का वर्ड होता है, यूज होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में भी माइनिंग वर्ड का यूज होता है तो इसको मैं मेंशन कर देती हूँ इन क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि एक शब्द के कभी कभी बहुत सारे अर्थ होते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए माइनिंग का दो जगह अर्थ जगह यूज होता है। एक जो पृथ्वी के खनिजों को उत्खनन करते हैं निकालते हैं अपने यूज के लिए, एक वर्ड माइनिंग वहां यूज होता है, और एक जो वर्ड माइनिंग है वो क्रिप्टो करेंसी के कॉन्सेप्ट में भी यूज होता है। तो अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करें तो माइनिंग जो वर्ड माइनिंग इज अ प्रोसेस। माइनिंग एक प्रोसेस है, माइनिंग इज द प्रोसेस, सॉरी माइनिंग इज द प्रोसेस दैट, माइनिंग एक प्रोसेस है जो कि क्रिप्टो करेंसी यूज टू जनरेट, दैट क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी यूज टू जनरेट माइनिंग इज द प्रोसेस दैट क्रिप्टोकरेंसी यूज टू जनरेट न्यू कॉइन्स एंड वेरीफाई न्यू ट्रांजेक्शन। टू जनरेट न्यू कॉइन्स, टू जनरेट न्यू कॉइन्स, न्यू कॉइन्स एंड टू वेरीफाई न्यू ट्रांजेक्शन। माइनिंग को अगर दोबारा से देखें, रिपीट करें इसको, तो माइनिंग इज द प्रोसेस, माइनिंग एक प्रोसेस है दैट जो कि क्रिप्टो करेंसीज यूज टू जनरेट, जो कि क्रिप्टो करेंसीज यूज करती हैं जनरेट न्यू कॉइन्स एंड टू वेरीफाई न्यू ट्रांजेक्शन। जो कि क्रिप्टो करेंसीज अपने न्यू कॉइन्स
और न्यू ट्रांजेक्शंस को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि इसके कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, इसके अकॉर्डिंग क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है। तो अगर इसको हम लिंक करते जाएं वन बाय वन, माइनिंग के जरिए हम न्यू कॉइंस एंड न्यू ट्रांजेक्शन वेरीफाई करते हैं। न्यू ट्रांजेक्शन ब्लॉक के जरिए हम ट्रांजेक्शन को रखते हैं एक ऑडिट फॉर्म में, और जब ये ट्रांजेक्शन एक दूसरे से लिंक होते हैं ब्लॉक के रूप में तो ये चेन फॉर्म डेवलप कर लेते हैं। और जब ये हमारे ट्रांजेक्शन हैं इनको सिक्योर रखने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है, कि जैसे जो हमारे ट्रांजेक्शन हैं उसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए उसको क्रिप्टोग्राफी या कोडेड फॉर्म में यूज किया जाता है। तो ये रहा कि यह कैसे काम करता है। अगर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हम देखें तो एल सल्वाडोर एक पहला ऐसा देश है जिसने बिटकॉइन को अपना डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट किया है, और बिटकॉइन जो है वह पहला क्रिप्टो करेंसी कॉइन है। तो इनको मैं नोट करती हूँ, तो वह कुछ इस तरीके से होगा, बिटकॉइन
रिलीज किया गया जो कि पहली डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी थी। अगर हम बात डिसेंट्रलाइज्ड की बात करें तो यह सिंगल सिंगल लोकल अथॉरिटी द्वारा मैनेज नहीं होगा। यानी कि इसे कई सारे लोगों द्वारा सेंट वर्क किया जाएगा इस पे। जैसा कि हमारा अगर हम करेंसी की बात करें तो यह किसी भी सेंट्रल बैंक के द्वारा सेंट्रलाइज्ड होता है, यानी इस पे कंट्रोल किया जाता है। आपको समझ में आएगा कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब है। अगर आगे बढ़ते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के दृष्टिकोण से बढ़ते हुए, तो नेक्स्ट इसमें है सेकंड, जो बैंक ऑफ थाईलैंड है, बैंक ऑफ थाईलैंड इसने 2018 में बैंक ऑफ थाईलैंड ने 2018 में घोषणा की कि अपने स्वयं की क्रिप्टो करेंसी बनाएंगे। यानी जो बैंक ऑफ थाईलैंड है, इन्होंने ये अनाउंस किया 2018 में कि ये अपनी सेल्फ क्रिप्टो करेंसी डेवलप करेंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड रहेगा, इसमें एक और चीज ध्यान रखने लायक है कि जो बैंक ऑफ थाईलैंड ने ये अनाउंस किया कि वे खुद की सेल्फ क्रिप्टो करेंसी डेवलप करेंगे, तो यह है टन CBD CBDC के अंतर्गत आएगा, जिसका CBDC के अंतर्गत आएगा। अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2018 में इंडिया के जो सेंट्रल बैंक है RBI, उसने क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दिया। अपने कुछ पॉइंट को रखते हुए कहा कि जो क्रिप्टो करेंसी है इंडिया में सही नहीं है, और 2019 में इस पे एक ड्राफ्ट भी तैयार किया गया इसको बैन करने के लिए। लेकिन जब आगे बढ़े तो 2020 में या मार्च 2020 में जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन हटा दिया, इंडिया की अगर बात करते हैं तो 2018 में RBI बैंक ने अपने कुछ तर्कों को रखते हुए क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया। 2019 में पार्लियामेंट में क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया, लेकिन मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया और गवर्नमेंट से कहा कि आप इस पे रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार कीजिए। ये जो हम क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगा रहे हैं वह कहीं ना कहीं लोगों के अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स को प्रभावित करता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बैन लीगल नहीं है, आप किसी भी इस तरीके से कॉन्सेप्ट पे बैन नहीं लगा।
ऐसा देश है जिसने बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया। बिटकॉइन को बिटकॉइन जो एक क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म है इसको इस देश ने एक लीगल टेंडर के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया। कब किया एक्सेप्ट? इसने जो एक्सेप्ट किया वह 9 जून 2021 को बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर एक्सेप्ट कर लिया। 2021 फिर से इसके जल्दी से इसके देख लेते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट्स कि क्या क्या क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स लगते हैं। तो जो बिटकॉइन है सबसे पहला एज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रिलीज किया गया 2009 में और यह एक पहली डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी थी। नेक्स्ट है बैंक ऑफ थाईलैंड 2018 में इसने कहा कि यह अपनी सेल्फ क्रिप्टो करेंसी डेवलप करेंगे जो कि सीबीडीसी कॉन्सेप्ट पे कार्य करेगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं तो 2018 में इंडिया की सेंट्रल बैंक आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया। 2019 में क्रिप्टो करेंसी को बैन रखने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया लेकिन किन्हीं कारणों के चलते इसके खिलाफ इस बैन के अगेंस्ट अपील दायर होने के चक्कर में कुछ सुनवाई के चक्कर में इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटा लिया मार्च 2020 में। नेक्स्ट है हमारा एक कंट्री एल सेल्वाडोर जिसने बिटकॉइन जो कि क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म है उसको लीगल टेंडर के तौर पे अपनाया जो कि 9 जून 2021 को इसने किया। तो यह रहा कुछ इसके क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। आगे बढ़ते हैं इसके जो मैंने सब हेडिंग्स या सब टॉपिक डिसाइड किए थे क्रिप्टो करेंसी को लेके तो इसमें जो आएंगे वो है इसके इम्पैक्ट्स। इम्पैक्ट्स अगर देखें तो जब कोई भी नई चीज इन्वेंट होती है इंट्रोड्यूस होती है तो जाहिर सी बात है उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं और कुछ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। जैसा हम साइंस के इन्वेंशन की बात करें तो ज़्यादातर सभी इन्वेंशन की एक पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड देखने को मिलती है। इसी केस में क्रिप्टो करेंसी भी है इसके कुछ हम पॉजिटिव पॉइंट्स भी देख सकते हैं और इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देख सकते हैं। तो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए हम क्रिप्टो करेंसी के अगर लाभ देखें क्रिप्टो करेंसी के लाभ या इट्स पॉजिटिव साइड पॉजिटिव पॉजिटिव पक्ष क्या रहेगा क्रिप्टो करेंसी को देखते हैं तो इसमें पहला है इसमें मीडिएटर या बिचौलिए की आवश्यकता नहीं होती। अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो यह एक कंप्यूटराइज नेटवर्क पर बात करता है जिसमें किसी भी मीडिएटर के जगह नहीं होती। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं अगर हम एक बैंक से डिजिटली ट्रांसफर करते हैं जैसे हमारे कई सारे पेमेंट्स एप्लीकेशन हैं तो वह काम करते हैं तो यहाँ से हमने 100 रुपीज का ट्रांसफर डिजिटल मोड में इसमें किया तो यह पेमेंट ऐप अपने ट्रांजेक्शन रखेगा तभी यह दूसरी बैंक में 100 रुपीज का ट्रांसफर करेगा। तो ये यहाँ पे
एक मीडिएटर की भूमिका है, लेकिन क्रिप्टोकरेंसी में यह मीडिएटर की भूमिका नहीं होती। क्रिप्टोकरेंसी डायरेक्टली अपना ट्रांजेक्शन करते हैं। तो इसकी एक पॉजिटिव साइड है, यह है कि क्रिप्टोकरेंसी में मीडिएटर की भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट है इसमें प्रपत्र या डॉक्यूमेंट्स। ट्रेड में करते हैं कि हमसे ट्रेड करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड रखी जाती है, या वो ये सही भी है कहीं ना कहीं हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में इस तरीके की डॉक्यूमेंट्स की क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए जरूरत नहीं होती है। तो इसको हम पॉजिटिव पॉइंट में रख सकते हैं कि जो प्रपत्र का मांगा जाना है इसमें ट्रेड करने के लिए जरूरी नहीं है, और इसमें अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता। अगर क्रिप्टो करेंसी में हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन पे हमसे अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है। यह इसके पॉजिटिव साइड्स हो गए, पॉजिटिव इंपैक्ट्स हो गए, या हम कहें कि जो क्रिप्टो करेंसी के लाभ हैं इसमें बिचौलियों की जरूरत नहीं होती, प्रपत्र नहीं मांगे जाते हमसे, और इसमें अतिरिक्त शुल्क हमसे नहीं लिया जाता। नेक्स्ट बढ़े तो यह गोपनीय है, इसमें हमारे ट्रांजेक्शन हैं पूरी तरीके से सिक्योर रहते हैं। तो यह है इसके पॉजिटिव साइड क्रिप्टो करेंसी के। अगर या इसका नेगेटिव साइड, अगर इस बारे में हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या नेगेटिव साइड हो सकते हैं। तो पहला इसमें रहेगा कि यह अस्थिर है। अस्थिर का मतलब यहाँ पे यह है कि इसके जो मूल्य में जो मूल है वह अस्थिर रहता है, ये कभी भी बढ़ सकता है, ये कभी भी घट सकता है। अगर इसको हम एक एग्जांपल तौर पे बात करें तो जो क्रिप्टो करेंसी थी एक, मुझे भी इसका नाम याद नहीं आ रहा है, क्रिप्टो करेंसी थी वह 2017 में उसका जो मूल्य था वह 19,000 यूएस डॉलर था। लेकिन इसी करेंसी को जब आगे देखा गया तो 2018 में इसकी जो वैल्यू घटकर सिर्फ 3,200 यूएस डॉलर रह गई थी। तो यह इसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है कि इसके मूल्य अस्थिर रहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े तो इसकी एक गोपनीयता है, इसका नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि जब हमारे ट्रांजेक्शन जो है सारे कोडेड फॉर्म में रहेंगे और इस पर ये डिसेंट्रलाइज मोड पर वर्क करती है, तो जो हमारी गोपनीयता है इसकी एक हमारे लिए नेगेटिव साइड का काम कर सकती है। जैसे कि अगर देखें तो जो ट्रांजेक्शन है किसी भी
ही गतिविधि के लिए गतिविधियों के लिए भी किए जा सकते हैं। इसकी गोपनीयता भी क्रिप्टो करेंसी भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट पे रखती है कि अगर इसके ट्रांजेक्शन हो गए इतने ज्यादा सिक्योर मोड में रहेंगे तो जो ट्रांजेक्शन है कहीं ना कहीं आतंकवादी फंडिंग और गैर कानूनी या इलीगल एक्टिविटीज के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट एड्रेस में इससे टैक्स इवेजन या कर अपवंचन या टैक्स इवेजन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि हम देखें तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये डिसेंट्रलाइज है, तो इससे इस पर किसी भी सरकार का कंट्रोल नहीं होने के कारण जो सरकार हम टैक्स कलेक्ट करके हमारे जो स्कीम्स है हमारे हित के लिए लाती है और इससे टैक्स इवेजन या कर अपवंचन को बढ़ावा मिलेगा, इससे लोग टैक्स को चोरी करेंगे उसको छिपाएंगे, तो यह इसका क्रिप्टो करेंसी का एक नेगेटिव पॉइंट है। तो यह था आज का टॉपिक क्रिप्टो करेंसी। आई होप कि यह आपको क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है या कैसे वर्क करती है और इसके नेगेटिव और पॉजिटिव साइड्स क्या हैं, हम क्या देख सकते हैं। इसको मैं समराइज करूं फिर से, तो जो क्रिप्टो करेंसी है वह डिजिटल फॉर्म में काम करती है। सपोज अगर इसको ज्यादा कंट्री इसको अपना लेती हैं, कंट्री वन, कंट्री टू, कंट्री थ्री एंड कंट्री फोर, तो अगर कोई टूरिस्ट है या ट्रेडर है तो वह अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए कंट्री वन में जाएगा, तो वह कंट्री वन की सबसे पहले वहां पे मनी को यूज करेगा, फिर वह कंट्री टू में जाएगा तो उसकी अपनी करेंसी को कंट्री टू की करेंसी में यूज करेगा, इसी तरीके से कंट्री थ्री एंड कंट्री फोर। अगर सपोज इन सभी में एक कॉमन करेंसी है तो इसको जो बार बार एक्सेस करने की प्रॉब्लम है, करेंसी एक्सचेंज करने की, वो नहीं रहेगी इसमें। अगर से सपोज कि सभी कंट्री जो है हमारे जो पॉपुलर है बिटकॉइन वह यूज करती हैं, सभी कंट्री यह यूज करती हैं और ये ट्रेडर भी बिटकॉइन यूज करता है, तो कहीं ना कहीं जो इसका व्यापार है इजी हो जाएगा। इसको जो बार बार अपनी करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में चेंज करने की एक्सचेंज करने की जरूरत थी वह खत्म हो जाएगी और इसको बार बार ये परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। सेम टूरिस्ट को हो सकता है, जैसे यूएस की करेंसी है डॉलर, इंडिया की करेंसी है रुपी, और आगे बढ़ते हैं तो जो यूरो है उसकी करेंसी है यूरो। अगर कोई टूरिस्ट यूएस से इंडिया जाता है तो सबसे पहले उसे अपनी करेंसी इंडियन रुपी में चेंज करानी होगी। अगर वह इंडिया से वापस यूरोप जाता है घूमने के लिए तो उसको इंडियन करेंसी जो रुपी है उसको यूरो में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जस्ट सपोज मानिए कि तीनों कंट्री सेम क्रिप्टो करेंसी या करेंसी रखती हैं, तो कहीं ना कहीं जो उसकी ट्रैवलिंग है वो सुविधादायक रहेगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्रिप्टो करेंसी डेवलप की गई। आई होप आई कैन
able to clear your topic cryptocurrency. उम्मीद है कि आपको जो आज का टॉपिक है cryptocurrency में क्लियर हुआ होगा. So that's all from my side. Please like, share and subscribe our channel. Thank you. Bye bye. Take care.